दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चाय 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 चाय, ये हम है, ये हमारा टकला है, ये हमारी चंपी हो रही है। अच्छा सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। कल जो चक्रवात वाला व्लॉग था वो आपने देखा ही होगा, कल चक्रवात ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। जो आज का दिन था वो काफी अच्छा था, सूरज थोड़ा बहुत निकला था, वैसे तो बादल थे दिन भर लेकिन सूरज निकला था और कल जैसी हवाएं या बरसात ऐसा कुछ भी नहीं था आज के दिन। तो हमारे व्लॉग को अब चलिए शुरू करते हैं। ये देखो बच्चा पढ़ भी रहा है, सिर्फ बच्चा फ्री फायर नहीं खेलता, पढ़ाई भी करता है। पढ़ाई किस तरह से होती है आजकल के ज़माने में ये देख लो, सामने यहाँ पे YouTube चालू है, YouTube पे क्वेश्चन चल रहे हैं। प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे, प्रमोशन हो रहा है जो सर कर रहे हैं। चैनल का नाम दिख गया, देखो। ठीक है, जो सर कर रहे हैं वो फ्री में करवा रहे हैं, उनका प्रमोशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यार, कुछ सीखने तो मिल रहा है ना तेरे को, है कि नहीं। तो बच्चा पढ़ता भी है, ऐसे मत बोलना कि बच्चा पढ़ता नहीं है। बच्चे जरा मुंह दिखा दे अपना। दिया। बोलती ही तू, हाँ क्या बोलते आदि? बहुत महीने हो गए पिज्जा खाना यार। क्या बहुत महीने हो गए पिज्जा खाना? ये जंक फूड खा के मैं बोर हो चुका। जंक फूड खा के बोर हो गए तो पिज्जा मत खाओ, सिंपल है। वो जंक फूड मेरे लिए है, ये वाला मेरे लिए हेल्दी फूड है, तुम समझते ही नहीं हो। अच्छा, ये जो रोटी सब्जी खा रहे हो वो जंक फूड है? अच्छा, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। और ये जो पिज्जा है वो हेल्दी फूड है? बहुत जंक फूड खिलाया आपने। जंक फूड खिलाया अभी? कितना हेल्दी फूड तो हेल्दी होता है, हड्डियों के लिए, दिमाग के लिए, आंखों के लिए। तो दो ना, हेल्दी फूड बोलता रहो। हेल्दी फूड, अच्छा ठीक है। चल कौन सा पिज्जा खाएगा, लापिनोज, डोमिनोज, पिज्जा हट, कौन से वाला? लापिनोज तो नहीं पसंद, डोमिनोज। जोर से बोल। पिज्जा हट, पिज्जा हट, पिज्जा हट, पिज्जा हट। ठीक है चल, पिज्जा हट में से ऑर्डर करते हैं, है ना। तेरा हेल्थी फूड है ना। बताओ, ये नया बताया तूने लोगों को कि हेल्थी फूड है पिज्जा। One hour later. आदि का पिज्जा आ गया है, आदि का पिज्जा आ गया है, तेरा पिज्जा आ गया है, क्या बोलती तू? नमस्कार दोस्तों, मेरा पिज्जा आ गया और अभी हम इसको फाड़ देंगे, इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और वो बाद में मर जाएगा तो फिर वो सीधा जाएगा मेरे पेट में। अरे कहना क्या चाहते हो? समझ जाओ। लारा लारा मुझे तो चीज भी पसंद है पिज्जा वालों की। सब कुछ पसंद है ना, घर का कुछ अच्छा ही नहीं। घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। ये लोग देख रहे हैं तेरे को, क्या सीखेंगे वो लोग? पिज्जा खाना। ये भी ठीक है। ये सब कुछ निकाल के बॉक्स फेंक देना अभी, है ना, जल्दी दे तो। यहाँ पे सॉस की जगह है लेकिन मैं नहीं खाता ना, तो फिर मैंने पिज्जा के साथ सॉस कौन खाता है? बहुत लोग खाते हैं, अभी कमेंट करेंगे देखना, जो लोग देख रहे होंगे ना वो, क्या कि हम खाते हैं पिज्जा के साथ सॉस। गजब है बॉस, पिज्जा के साथ सॉस। ये खाना जो है, ये खाना आप जो देख रहे हैं, ये खाना है बेटे का, जो कि बोल रहा है कि ये हेल्थी खाना है। और ये खाना जो आप देख रहे हैं, किनुआ खिचड़ी, ये है मम्मी का खाना जो ये बोलती है कि हेल्थी है। तो अब आप लोग बताओ दर्शकों कि कौन सा खाना ज़्यादा हेल्थी है, ये वाला खाना किनुआ खिचड़ी या तो ये वाला खाना पिज्ज़ा और गार्लिक ब्रेड, क्या बोलती तू? दर्शकों मेरा साथ देंगे, दर्शक तेरा साथ देंगे। किनुआ खिचड़ी खा खा के मेरी बीवी ने जो है वो 18 किलो वजन उतारा है। कितना? 18 किलो वजन। पूजा ने जो है पिछले साल 18 किलो वजन घटाया, मतलब कि 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें पूजा ने
18 किलो वजन घटाया था, वो कैसे घटाया था उसके बारे में आज एक व्लॉग बनाने का हम लोग सोच रहे थे। दिन भर हमें टाइम नहीं मिला, उसके कारण हम वो व्लॉग नहीं बना सके, लेकिन हम बहुत जल्दी कल या परसों वो व्लॉग भी बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि पूजा ने जो अपना 18 किलो जो वजन है वो कैसे घटाया, किस तरह से उसने क्या किया था बिना पैसे के। हाँ, कहीं पे भी मतलब कि इसने डॉक्टर के पास या डाइटिशियन के पास ऐसा कुछ भी खर्च नहीं किया था। इसके बारे में हम कल व्लॉग बनाएंगे, आपको कल दिखाएंगे, है ना। और ये इनकी एक फूड चैनल भी है, लेट्स कुक विद मिसेस भट्ट, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें ये किनुआ खिचड़ी कैसे बनती है उसने ये बताया हुआ है ना। और अगर आप वेट लॉस करना चाहो ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, खा पी के मैंने वेट लॉस किया है। ये जिनका हो जाता है वो बोलते हैं, हो ही जाता है, आपको कंट्रोल करना पड़ता। कंट्रोल कौन सी चीज में करना पड़ता है, फ्रूट मत खाओ, शुगर, आर्टिफिशियल शुगर मत लो, फ्रूट से भी वजन बढ़ता है। मेरा डाइटिंग तो पता नहीं, मेरी जब शादी हुई ना तब से मेरा डाइटिंग ही चलता है, फिर मेरा 1 किलो भी वजन कम नहीं हुआ, फिर मैंने सोच समझ के डाइट किया और बाद में अब मैंने 18 केजी कम किया। 18 केजी कम किया है, तो ये जो 18 केजी वाला व्लॉग है वो हम कल लेके आएंगे आपके लिए, या तो परसों बहुत जल्दी लेके आएंगे कि 18 केजी कैसे उतारा था। लेकिन अभी जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि पिज्जा ज्यादा हेल्दी है या किनवा खिचड़ी ज्यादा हेल्दी है। तो गाइस, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो और लाइक भी कर दो। तो गाइस मिलते हैं सीधा अगले ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और पिज्जा खाते रहो। हाँ, और पिज्जा भी खाते रहो, बाय।